नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आपकी प्यारी कंपनी मदरसन सुमी लिमिटेड का Q4 का रिजल्ट आ चुका है, साथ ही साथ डिविडेंड का भी ऐलान यहाँ पर हुआ है। तो कैसा रहा रिजल्ट, कितना डिविडेंड आया है, आपको इस छोटे से वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर से देखिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। दोस्तों आज 2 जून 2021 आज के दिन ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड फाइनेंशियल ईयर एंडेड मार्च 31 2021 रिजल्ट आ चुका है। यहां पर आप देख पाएंगे सर, अप्रूवल फॉर द रिजल्ट अप्रूव हो चुका है और रिकमेंडेड अ डिविडेंड ऑफ 1.50 रुपीज। तो सर 1.5 रुपये का डिविडेंड आ चुका है और इस डिविडेंड का अगर आप देखें सर, शेयर होल्डर्स का एक अप्रूवल की जरूरत है, जो कि अगर आप देखें जो कि एक AGM के थ्रू होगा। तो ये कब होगा, कितना होगा देख लेंगे, लेकिन 1.5 रुपये का डिविडेंड आ चुका है। और रिजल्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम लोगों को देखना होगा दोस्तों, रिजल्ट कैसे आए हैं। तो रिजल्ट आप देखेंगे स्क्रॉल करते हुए, जब आप नीचे जाएंगे रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो रिजल्ट कैसे आए हैं ये भी हम लोग एक बार देख लेंगे। स्टैंडर्ड ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड ईयर एंडेड मार्च 31 2021। आप यहां पर देख पाएंगे सर, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू इस बार जो आया है 1291 करोड़ का। और अगर आप एक क्वार्टर पीछे चले जाए यानी कि Q3 में जो रेवेन्यू आया था वो था सर 1172 करोड़ का। तो रेवेन्यू अगर आप देखें 1172 करोड़ के मुकाबले 1291 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप देखने को मिली है। और अगर आप सालाना देखें, एक साल पहले इसी क्वार्टर में अगर आप देखें जब कोविड भरपूर था, तब अगर आप देखें जो कि रेवेन्यू आया था 1277 करोड़ का, तो उसको भी बीट कर दिया है रेवेन्यू के मुकाबले। जैसा कि आप जानते थे पिछला साल कोविड का पूरा ही गुजरा, उसके चलते अगर आप देखें कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखें 19-20 के मुकाबले 20-21 में थोड़ा सा कम आया है, 4357 करोड़ के मुकाबले 3779 करोड़ का रेवेन्यू सालाना यहाँ पर कंपनी ने शो किया है। उसके बाद अगर आप देखें प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो सर 8F जो यहाँ पर अगर आप देखें सॉरी फ्रेंड्स 8-10 नंबर का जो पॉइंट है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग एंड डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, तो इनका जो प्रॉफिट आया है ईयर ऑन ईयर देखें तो सर आपको प्रॉफिट में थोड़ी सी कटौती देखने को मिलेगी। एक साल पहले इसी क्वार्टर में 386 करोड़ का प्रॉफिट था जो कम होकर 244 करोड़ का हुआ, और प्रॉफिट में आपको थोड़ी सी कटौती क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखने को मिलेगा, 249 करोड़ के मुकाबले 244 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने शो किया। तो सर आप देख पाएंगे जो कि है सर ईपीएस की बात करें, ईपीएस में आपको भी डेफिनेटली यहाँ पर आप देख पाएंगे थोड़ी सी कटौती देखने को मिलेगी। सालाना ईपीएस में 2.85 के मुकाबले 1.65 हुआ है, और क्वार्टरली देखिए तो सर 0.79 के मुकाबले 0.78। तो सर माइनर सा यहाँ पर दिक्कत नजर आ रही है, लेकिन सर मुझको जितना समझ में आ रहा है मैं आपको बताना चाहूंगा, बेचने की जरूरत नहीं है, स्टॉक को स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार हो चुका है। मैं आपको बस बताना चाहूंगा, डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मेरे निजी पोर्टफोलियो में भी मदरसन सुमी का स्टॉक है। तो यही कुछ है सर, बाकी अगर आप देखें कंपनी का और जो कुछ पैरामीटर्स है वो भी अगर आप देख पाएंगे तो नेट कैश जनरेशन फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज की बात करें, जो कैश जनरेशन हुआ है सर वो अगर आप देखें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर सर जो कि इस साल का है सर, इस साल कंपनी ने पॉजिटिव कैश फ्लो दिखाया है, तो जो कि एक अच्छी बात है। और अगर आप देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज ईयर एंडेड, तो कंपनी के पास कैश कितना पड़ा है, 286 करोड़ का कैश अभी भी पड़ा है जो कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो सर मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपके पोर्टफोलियो में मदरसन सुमी का स्टॉक है तो, और अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, कंपनी अच्छे रिजल्ट यहाँ पर दिखाने की कोशिश बार बार कर रही है और रिजल्ट अच्छे जरूर से आएंगे। थोड़ा सा दिक्कत जो ये कोविड का है वो अगर एक बार टल जाता है तो सर आपको बताना चाहूँगा ये कंपनी रॉक रही, यानी कि सर आपको ताबड़तोड़ जबरदस्त रिजल्ट और रिटर्न के साथ साथ आपको भी एक मल्टीबैगर रिटर्न देकर जाएगा। तो बताना चाहूंगा होल्ड कीजिए, अगर आप होल्ड कर पाएंगे शॉर्ट टर्म के लिए जिन्होंने लिया है उनसे मैं कहना चाहूंगा अपने वित्तीय सलाहकार की राय लीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए तो मेरा यहां पर होल्ड का ही आपको बताना है कि होल्ड कीजिए। और बाकी आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर से बता दिया कीजिएगा, और क्या पूछना चाहते हैं वो भी आप कमेंट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।